El borde de acá. Multiplication of two matrices. Condition. पहला नंबर ऑफ आवाज आ रही है क्या दीप्ति आवाज आ रही है हाँ ठीक नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट पोजिशन मैट्रिक्स must be equal to number of row of second position matrix. Then second is one. Each row must multiply each element of the each row. Just read. Each element of each row must be multiplied with each corresponding element of each column. Each element of each row must be multiplied with each corresponding element of each column and sum them. Results of the multiplication is the order of row of first matrix and column of second matrix. तो मैंने क्या है देखिए यहां पर ए एंड बी मैट्रिक्स को इंक्लूड किया ए आई जे एम बाय एन बी जे के
ये जो एन है यहां एन बराबर होगा और ये के होगा, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्ट क्या आएगा, एम और ये के बराबर होगा, मतलब ये तुम्हारा ए आई जे इंटू बी जे के साथ और रिजल्ट एम वाई के बचेगा। जो देखो घेरा नहीं किया, जो सर्कल नहीं किए हैं उसको तार बचेगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों हट जाएंगे, एम वाई के बचेगा रियल। ये जितनी चीजें दी है वो सबका सेंस यही है, इतना है, इतना पहला नंबर ऑफ कॉलम, बाद वाला नंबर ऑफ कॉलम होता है, और जब फर्स्ट पोजीशन मैट्रिक्स पहले पोजीशन मैट्रिक्स में जो लिखा हुआ है उसका नंबर ऑफ कॉलम एन एन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो, इसके नंबर ऑफ रो के बराबर एन और एन इक्वल सेकेंड पोजिशन का, तो दोनों का इंटू होगा, अगर इंटू होगा तो कैसे होगा, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ इंटू होगा, ये इसके साथ इंटू हुआ, रिजल्ट क्या आएगा, ये जो बचा हुआ एम और ये बचा हुआ के इस ऑर्डर का आएगा, एम बाई के का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं मैं, सी इंटू डी वन और टू, ये देखो मैट्रिक्स है यहां पर थ्री फोर, इसका ऑर्डर कितना है वन बाई टू, इसका ऑर्डर है टू बाई वन, ये टू और ये टू बराबर है, देखो ये टू टू बराबर हुआ, तो इंटू इसका पॉसिबल है, कोई आया था क्या, क्या दीप्ति कोई आया था क्या, तू आवाज बार ना तब कदम को यार, हाँ ये टू ये को है, ये वन और वन, तो इंटू कैसे हो रहे हो, ये वन किसके साथ इंटू, जो रिजल्ट आएगा वो वन बाई वन का होगा, मतलब वन टू एंड वन कॉलम होगा, वन बाई टू वन रो एंड टू कॉलम, ये टू रो वन कॉलम, तो टू बाई वन, ये टू टू बराबर है तो वन बाई वन होगा, यहाँ पे वन थ्री के साथ इंटू वन इंटू थ्री, वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर, ये हो गया वन बाय वन रिजल्ट, ए दो एन कॉलम, तो वन इस थ्री के साथ इंटू टू इस फोर के साथ इंटू, ठीक है, वन इस थ्री के साथ इंटू टू ये फोर के साथ इंटू, और बीच में प्लस, यही मैंने दिखा दूंगा यहाँ पे, ईच एलिमेंट ऑफ ईच रो, पहला रो का एलिमेंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम, हर एक कॉलम का सेकंड पोजीशन के कॉलम का इनटू हुआ, 1 3 के साथ इनटू हुआ, 2 4 के साथ इनटू हुआ एंड सम देम, और इन दोनों को इनटू प्लस कर देना, पहला वाला 1 3 के साथ इनटू हुआ, फिर 2 4 के साथ इनटू हुआ, बीच में प्लस लगा दिए, ठीक है, ये रिजल्टेंट आया आपका 1 इनटू 3 3 हुआ, 4 इनटू 2 8 हुआ, 3 प्लस 4 कितना हुआ, 3 प्लस 8 11, ये 11 हो गया 1 बाय 1 का, ठीक है, ये 1 बाय 1 का मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, यही इसका प्रोसेस है, देखो बढ़िया से एक बार सुन लो फिर से, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट पोजीशन मैट्रिक्स, पहला पोजीशन मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये देखो नंबर ऑफ कॉलम एन, बी इक्वल टू वो इक्वल होगा नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड पोजीशन मैट्रिक्स, सेकंड पोजीशन मैट्रिक्स से इक्वल होगा ये एन बाय एन, वह एन एन इक्वल है, ये एन एन इक्वल हो जाएगा, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ईच एलिमेंट ऑफ ईच रो मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद
each corresponding element of each column and sum them. मतलब ये पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ इंटू होगा पहला रो हर एक रो ईच एलिमेंट ऑफ ईच रो हर एक रो का पहला रो का एलिमेंट और वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वन वाला थ्री के साथ इंटू हुआ टू वाला फोर के साथ इंटू हुआ पहला रो पहला कॉलम के साथ इंटू हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ हुआ तो वैसे बनते जाएंगे तो वन थ्री के साथ इंटू हुआ वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के बराबर होगा इसका ऑर्डर जो होगा इज द ऑर्डर जो ऑर्डर है इसका रिजल्ट जो आएगा उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा पहला मैट्रिक्स का रो लेंगे और लास्ट सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे वो ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा ठीक है ये तुम्हारा प्रोसेस हुआ फिर यहाँ इंटू कैसे दिया हमने वन को थ्री के साथ इंटू किया टू को फोर के साथ इंटू किया और इन दोनों को प्लस कर दिया ईच एलिमेंट ऑफ द ईच रो हर एक रो का हर एक एलिमेंट एक बिंदु होगा एंड एक भी होगा तो वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर रिजल्ट वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर थ्री प्लस एट इज इलेवन ये इलेवन हो गया ठीक है सन्नो समझ में आया यस सर दीप्ति समझ में आया दीप्ति यस सर यस ठीक है यस सर ओके ओके और तो इग्नोर कई एग्जांपल करेंगे इसमें ठीक है ये बहुत जरूरी वाला मैट्रिक्स है एग्जाम्पल निकालते हैं स्कूल में आप किताब में यदि आ रहा है बुक से ही बुक वाले एग्जाम्पल में बता देता हूँ सोचो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आया तो उसमें तो वो चीज़ें नहीं दी हुई है जो मैं चाहता हूँ तो मुझे यही बनाना पड़ेगा
ए इंटू बी और बी इंटू ए निकालना है आपको सोल्यूशन। पहला वाला ए इंटू बी टू फाइव एट टेन इंटू फोर सेवन, ये हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड, दो रो है, वन रो एंड टू रो, देयर टू रो टू कॉलम, वन एंड टू टू कॉलम, यहाँ वन एंड टू टू रो एंड वन कॉलम। ये देखो ये दोनों का, ये दोनों सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम वन एंड टू मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो वन एंड टू, ये टू और ये टू दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रिजल्ट क्या आएगा, वो टू बाई वन का आएगा रिजल्ट, ये टू एंड ये वन, इस टू बाई वन का रिजल्ट आएगा। तो आप देखो कैसे करते हैं इसको, पहले वाले को पहला रो एंड दूसरा रो हर एक रो में डिवाइड कर दिया, तो दो रो होंगे तो दो बार मल्टीप्लिकेशन होगा, टू रो एंड वन कॉलम वन एक बार इंटू, तो टू बाई वन का रिजल्ट आएगा, टू रो होंगे एक कॉलम होगा। टू रो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे वन इसके साथ इंटू होगा, ये टू फोर के साथ इंटू हुआ, फाइव सेवन के साथ इंटू हुआ, टू वन फोर के साथ इंटू हुआ, फाइव सेवन के साथ इंटू हुआ, और इन दोनों का रिजल्ट का प्लस, ये टू फोर के साथ दिस टू मल्टीप्लाई बाय फोर एंड दिस फाइव इज मल्टीप्लाई बाय सेवन, द रिजल्ट इज टू प्लस टू इंटू फोर प्लस फाइव इंटू सेवन, एंड हियर 8 इंटू फोर प्लस टेन इंटू नाइन सेवन। तो कौन सा फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, देखो जैसे फर्स्ट रो से सेकेंड रो में आएंगे तो रिजल्ट भी सेकेंड रो में लिखा जाएगा, तो सेकेंड रो में क्या लिखा जाएगा, 8 इंटू फोर प्लस टेन इंटू सेवन, रिजल्ट देयर आर टू रो एंड वन कॉलम, ऊपर से नीचे पूरा रिजल्ट एड होके एक हो जाएगा, ये पूरा रिजल्ट एड होके एक हो जाएगा, तो वन रो बचेगा वन कॉलम बचेगा वन कॉलम, तो टू बाई वन, देखो टू और ये वन बचा, फोर टू जा एट प्लस सेवन फाइव थर्टी फाइव, एट प्लस थर्टी फाइव, एट फोर जा थर्टी टू, टेन सेवन जा सेवेंटी, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने रो वाइज डिवाइड कर दिया, सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज करते हैं, तो एक ही कॉलम है तो कॉलम को हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे टू फोर के साथ इंटू हुआ, फाइव सेवन के साथ इंटू हुआ और दोनों को प्लस कर दिए, फिर एट फोर के साथ ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू हो रहा था, एट इंटू फोर प्लस टेन इंटू सेवन, और रिजल्ट आया जब रिजल्ट लिख दिया, देखो टू ये टू और ये वन, जो रिजल्ट बना तो टू बाई वन का रिजल्ट बना। दिस इज टू रो एंड वन कॉलम, टू बाई वन, ये क्या है टू बाई टू, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सिंस ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल होगा। वन इज नॉट टू, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम of first position matrix, since the number of column of the first position matrix
is not equal to 2nd position matrix. As B into A is not possible. देखो अब इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ दीप्ति एंड चंदो बताओ क्या नहीं समझ में आया If A 215 and B matrix 64634, then find A into B, B into A. One by three. Three by one row, three column, 1, 2, three column, 1, 2, three. Three rows are there, one column, ऊपर से नीचे एक column. ये दोनों बराबर है, equal to है. ये दोनों equal to है. So multiplication is possible. Since both are equal, multiplication possible है. अगर multiplication possible है, तो result आएगा 1 by 1 का, 1 by 1 का result होगा. तो देखो क्या आएगा 1 by 1 का. मतलब 1 row and 1 column. तो पहला row पहले column के साथ into होगा. पहला row पहले column के साथ into होगा. तो एक ही row है, एक ही column है. पहला row का पहला element पहले element के साथ into होगा. This is 2 into 6 plus for second element के साथ into होगा 1 into 3 plus 5 into 4. This is 1 by 1.
ठीक है, 6 × 2 = 12 प्लस 3 + 20 दिस इज इक्वल टू 35 B into A B matrix 6 × 3 = 4 A matrix 3 × 1 A1 × 3 A1 बराबर तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नंबर ऑफ क्या हुआ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है किंतु कैसे इंटू होगा देखो पहला रो फर्स्ट रो ये हुआ 6 हुआ फर्स्ट रो का एक एलिमेंट ओनली वन एलिमेंट सेकेंड रो में 3 एलिमेंट एक एलिमेंट 3 और थर्ड रो में एक एलिमेंट 4 और यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम ठीक है तो ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ इंटू होगा रिजल्ट 3 × 3 का आएगा 3 रो एंड 3 कॉलम तो ये देखो फर्स्ट एलिमेंट के साथ इंटू होगा ये तुम्हारा हो गया 6 × 2 पहले कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले कॉलम में सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे 6 × 2 3 × 2 नेक्स्ट रो में 3 × 2 सेकेंड रो एलिमेंट को यूज किया फर्स्ट कॉलम तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम रियल थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2 Then 6 × 1 3 × 1 4 × 1 with 6 × 5 3 × 5 4 × 5 3 × 3 का रिजल्ट
देखो फर्स्ट जहाँ पे फर्स्ट कॉलम है एक कॉलम है थ्री रो है वन टू थ्री, तो थ्री रो फॉर्म हो गए। यहाँ पे देखो यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री कॉलम है वन रो है वन रो, तो थ्री कॉलम है तो थ्री कॉलम फॉर्म होंगे। अब देखो यहाँ पे पहला रो में पहले कॉलम में पहला कॉलम की बात करें, पहला कॉलम में पहला कॉलम ये वाला एलिमेंट और यहाँ पे हर एक रो का फॉर्म होगा, तो सिक्स इंटू टू थ्री इंटू टू फोर इंटू टू, वैसे ही सिक्स इंटू वन सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में फॉर्म होगा, सेकेंड कॉलम जो फॉर्म होगा सिक्स इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू वन, देन सिक्स इंटू फाइव थ्री इंटू फाइव, फर्स्ट रो में सात था पहला रो का हो गया, फर्स्ट सेकेंड रो में गए तो सेकेंड रो में क्या एलिमेंट लिखा जाएगा थ्री इंटू फाइव, थर्ड रो का एलिमेंट फोर इंटू फाइव लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको करते हैं यहाँ फाइव कर टू फाइव, यहाँ एक कम कर ना, तो आपको क्या बार बार कर